नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर राहुल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो भी सीमेंट है या सैंड है या वाटर है, उसकी मात्रा जब हम अपने घर में प्लास्टर कराते हैं या ईंट की चिनाई कराते हैं तो उसमें कितना मात्रा में लगता है? तो आज का मेरा पॉइंट उसी पर होने वाला है और हम उसी के बारे में बताने वाले हैं कि कौन कितना लगेगा। कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट सैंड एंड वाटर इन मोर्टार। सीमेंट मतलब हो गया आपका सीमेंट, सैंड मतलब बालू, और पानी का मात्रा हम बताएंगे। देखिए, मोर्टार में सीमेंट बालू और पानी की मात्रा निकालना हम लोग आज जानेंगे। मोर्टार मतलब मसाला भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, मसाला लोग अपने बोलचाल के भाषा में बोलते हैं, मसाला बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है। और जैसे ही सब्सक्राइब करिएगा, उसके बगल में एक ऐसे बेल का आइकन बन जाएगा इस तरह का, उसको भी आप लोग दबा दीजिएगा और दबा कर उस पर ऑल पे क्लिक करिएगा। इससे आपको बेनिफिट या फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे, आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज का पॉइंट स्टार्ट करते हैं। हाँ, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसको लास्ट तक देखिएगा तो आपको बहुत ही कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले एक नोट हम लिखते हैं, इसको आगे यूज होने वाला है इसलिए ध्यान से देखिएगा, इसी पे सारा मेरा चलेगा। जैसे डेंसिटी ऑफ सीमेंट मेरा कितना होता है, ये होता है 1440 केजी पर एम क्यूब, मानी मीटर क्यूब। अब अगला मेरा नोट है वो है 1 MQ में होता है आपका 35.314 मैंने 35.314 क्यूबिक फीट। अगला मेरा नोट है वो है जो आपका 1 KG सीमेंट होता है, 1 KG सीमेंट में सीमेंट इक्वल टू 0.5 लीटर आपका पानी उसमें लगता है। तो एक बैग में 50 KG होता है, तो एक बैग सीमेंट इक्वल टू आपका 50 KG होता है तो 25 LITRE लीटर पानी आपका लगेगा, ठीक है। और एक है जो मेरा इसका ड्राई, जो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे ना तो वो मेरा वेट वॉल्यूम आएगा, तो उसको हम लोग ड्राई वॉल्यूम में चेंज करेंगे। तो मेरा जो ड्राई वॉल्यूम होता है वो सबके लिए कॉमन होता है, ड्राई, जो मेरा ड्राई वॉल्यूम होता है वो होता है 1.33। ये ड्राई वॉल्यूम हो गया। वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम में चेंज करने के लिए आपको बता दिए। आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप देखे होंगे जब हम लोग कंक्रीट का निकालते हैं तो इसका दूसरा होता है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं, कंक्रीट का वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए आज का हम पॉइंट स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल से हम बताते हैं कि आपके पास है 1:4, एग्जाम्पल ये मेरा 1:4 रेशियो का आपके पास मोटार है, मोटार माने मसाला है, माने आपको 1:4 रेशियो का आपको निकालना है। ये हम जो भी आपको निकालेंगे 1 MQ के लिए, 1 MQ के लिए वो होता है, अब होता है आप 1 MQ के लिए देखिए, 1 MQ के लिए ये होता है कि 1.33 से गुना करते हैं। तो अब चलिए हम निकालते हैं, ये पर एम क्यू होता है, इसको आप लोग 1.33 पर एम क्यू लिख सकते हैं ये। अब देखिए 1:4 रेशियो का मेरे पास मोटार है, जिसमें आपके इसका मतलब ये हो गया कि 1 सीमेंट है और 4 बालू है। चलिए इसको हम निकालना सीखते हैं। ये मेरा हो गया सीमेंट, ये हो गया सैंड। चलिए निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं हम क्वांटिटी,
ऑफ सीमेंट निकालते हैं, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालते हैं, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला होता है सीमेंट सीमेंट रेशियो बटा में होता है आपका सम ऑफ रेशियो इनटू 1.33 होता है इसका, हम लोग ड्राई वॉल्यूम में चेंज करने के लिए। तो मेरा सीमेंट का रेशियो क्या हो गया है, एक है, यहाँ पर सीमेंट का रेशियो एक है, तो इसको हम लोग यहाँ लिखती है। अब सम ऑफ रेशियो मतलब मेरा 1:4 का रेशियो है, तो देखिए एक हो गया सीमेंट प्लस 4, ये सम ऑफ रेशियो हो गया, जोड़ दिए इंटू 1.33 इक्वल टू, जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे 1/5 इंटू 1.33, तो ये मेरा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका बराबर 0.266 M³। ये आपका सीमेंट का मात्रा आ गया कि आपको इतना MQ सीमेंट लगेगा। अब देखिए हम MQ में तो सीमेंट उतना परचेज करते नहीं है, बोरा पे और किलो में परचेज करते हैं, तो MQ का हम लोग क्या करेंगे, KG में चेंज करेंगे। तो देखिए आपको हम बताए हैं डेंसिटी ऑफ सीमेंट होता है 1440 KG पर MQ, मतलब एक MQ में आपका 1440 KG होता है, तो 0.266 MQ में कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीमेंट इन केजी निकालते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा 1440 मल्टीप्लाई 0.266। जब इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो ये आता है आपका 3.04, ये आपका केजी में आएगा। अब देखिए 3.04 केजी आ गया, ये आपका आ गया सीमेंट का केजी। अब देखिए हमको पता है बोरा में खरीदना है इसको, एक बोरा सीमेंट जो होता है, सीमेंट का जो बैग होता है एक बैग, वो मेरा 50 KG का होता है, तो मेरा यहाँ 383.04 KG है, इसको हम लोग आसानी से बैग में चेंज कर लेंगे। तो अब इसको बैग में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सीमेंट इन बैग्स, इसके लिए आसान भाषा में हम लोग लिखते हैं 383.04/50, मतलब वेट ऑफ सीमेंट बटा में 50, ये मेरा एक बैग का हो गया। अब इसका मेरा टोटल आ जाएगा आपको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 7.66 बैग, ये मेरा सीमेंट का मात्रा आ गया, लिख देते हैं, ये मेरा आ गया सीमेंट, हो गया मेरा सीमेंट की मात्रा है, ये मेरा हो गया बैग में। अब आगे हम निकालना सीखेंगे सैंड का, सैंड का अब कैसे निकालते हैं, तो सैंड के लिए चलिए हम लोग देखते हैं सैंड के लिए क्या करते हैं, तो सैंड के लिए निकालते हैं, सेंड के लिए नाउ फॉर सेंड मैंने अब सेंड के लिए, सेंड मैंने बालू का मात्रा कैसे निकालेंगे, बालू का निकालने के लिए भी वही फॉर्मूला है क्वांटिटी ऑफ सेंड बराबर मेरा होता है रेशियो ऑफ सैंड मैंने रेशियो ऑफ सैंड मैंने बालू की रेशियो बटा में सम ऑफ रेशियो इक्वल टू 1.33। अब इस पर हम लोग बैठा देंगे, देखिए मेरा बालू कितना है 1:4 मेरा बालू है, तो बालू के जगह पे हम लोग लिखेंगे रेशियो ऑफ सम 4, सम ऑफ रेशियो हम लिखेंगे 4×5 मेरा होगा इंटू 1.33। जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 1.064 MQ, ये मेरा आ गया सैंड का मात्रा माने बालू का मात्रा। अब इसको हम लोग क्यूबिक फीट में चेंज करते हैं, तो क्यूबिक फीट में चेंज करने के लिए हम लोग करते हैं सैंड इन
क्यूबिक फीट, क्यूबिक फीट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? हम लोग देखिए आपको बताए हैं हम यहाँ पर नोट में कि 1 MQ में आपका 35.314 क्यूबिक फुट होता है, तो 35.4 इंटू 35 पॉइंट मेरा यहाँ है 314, 314 इंटू 1.064। अगर 1 MQ में मेरा इतना होता है तो मेरा इसका भी निकल जाएगा उतना ही, 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे 35 का, तो ये मेरा आ जाएगा आपको 37.574 क्यूबिक फुट। ये मेरा बालू की मात्रा हो गया, क्या हो गया? ये मेरा बालू की मात्रा हो गया क्यूबिक फुट में। अब हम लोग पानी की मात्रा कैसे निकालेंगे? तो अब निकालेंगे नाव, निकालते हैं नाव। अब देखिए यहाँ निकालते हैं क्वांटिटी ऑफ वाटर। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए बैग ऑफ सीमेंट इंटू 25 लीटर, मतलब एक बैग में 25 लीटर मेरा लगता है, तो मेरा टोटल कितना बैग है सीमेंट? देखिए हम लोग निकाले हैं मेरा टोटल 7.66 बैग है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 7.66 इंटू 25 लीटर ले गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 191.5 TL, मेरा इतना आ जाएगा पानी का ये मेरा हो जाएगा पानी की मात्रा। दोस्तों ऐसे ही हम किसी भी रेशियो का हो क्यों ना, जैसे यहाँ पर हम 1:4 का बताए हैं, तो आप इसी फॉर्मूला पे 1:4 का हो या फिर 1:5 का हो, 1:3 का हो, 1:6 का हो, किसी भी रेशियो का इसी फॉर्मूला पर, जो मसाला होता है मोर्टार जिससे हम लोग प्लास्टर करते हैं या ईंट की चिनाई करते हैं जोड़ते हैं, तो इसी फॉर्मूला से आप हम लोग निकाल सकते हैं। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि हम आपके लिए कैसा वीडियो लेके आए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे वैसा वीडियो बनाने के लिए। जाते जाते मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि इससे सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तुरंत ही। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, ओके।